राणा ने जना रसनावला साहब एक दिन जियो के साथ वड़ाई साहब से बात करते हुए अपनी जवान बेटी को उठा के कहते हैं कि ये नाचता बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये नाचती बहुत अच्छी है जना। खुदा के बंदे नहीं 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 ये ऑन एयर बात है, ऑन एयर बात है साबित ना अल्लाह कर ही नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ कि ऑन एयर बना ले। मैंने नहीं देखा, एक मिनट, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ कि ऑन एयर एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम में उन्होंने अपनी बेटी के मुतल्लिक ये कहा कि बहुत अच्छा नाचती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर देखिए मैं एक चीज आपको उस वक्त मैं अभी अभी चेक करूंगा, ब्रेक होगी। और ये जुबान हमें काटनी पड़ेगी, हमें जुबान काटनी पड़ेगी। आप ब्लैक किसी ऑनलाइन लिखा लोग हैं, आप बेचते नहीं है, इनकी तरह लोगों की बेटियों की बात नहीं करते। मैंने सच्ची बात कही है, सच्ची बात है, सच्ची बात कही है। तुम लोग छोड़ो उसको, बात करते हैं बात कही आपको कहा था मुझे ना बुलाया। नहीं 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 सर, मैं इसको ऑनलाइन चेक करूंगा। मेरी बात आगे की बात नहीं करता, मेरी अच्छी चले इस पे नहीं, इस पे फेस्टिवल में आप ये चीज। अच्छा मेरी बात आपकी ये चीज ऑनलाइन बात करें, बस सीधे आ गए माइक लगाए, माइक लगाए आज आज सर सर नहीं मैं नहीं करने दूंगा। मियां साहब, मियां साहब बेशरम पार्टी है। नहीं नहीं मियां साहब उस पे बात नहीं, इस्तीफे सर, इस्तीफों पे बात करें, इस्तीफे छोड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक हो जाएगा। अच्छा सर, मुज़ाकरात के लिए आज ज़रदारी साहब मैदान में आ गए हैं, आप लगता है कि ये जरदारी साहब इसको रोल प्ले कर पाएंगे? नहीं उस पर बात नहीं करेंगे, मैं अभी चेक कर लूंगा, ये ऑनलाइन पढ़ा होता है साथ कभी को इस टॉपिक की नहीं, बहु बेटी की बात नहीं, नहीं सर मैं कह रहा हूँ उस पर नहीं बात करेंगे। बेटियों को आप कहने लगे हैं पिछले सात दिन से, मैंने नहीं कर सकता वाक्य जो इनके मुंह का है। मैं सर आप आसन जरदारी पढ़ के कहता हूँ जरदारी ये तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मैं जियो का प्रोग्राम निकालूंगा, मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा ब्रेक के बाद, ब्रेक में अभी सर ब्रेक में ऑनलाइन होगा चैलेंज, कल का प्रोग्राम रखे मुझे ब्रेक में निकाल लूंगा। राणा सनाउल्लाह का एक दिन जियो। अच्छा मेरी बात सुन सर, आसिफ जरदारी साहब नहीं नहीं दोनों बैठे नहीं फिर साहब मेरे पास, मैं अभी ब्रेक में निकालूंगा, ब्रेक में निकालूंगा ना चौहान साहब सर आप अगली बात। अच्छा आपने बनाया नचा आप रहे हैं सारी रात हम का माफ करते हैं सर, सर आसिफ जरदारी साहब सर एक मिनट चौहान साहब, आसिफ जरदारी साहब का रोल किस तरह देख रहे हैं? आसिफ जरदारी साहब एक सियासी लीडर है, एक पार्टी के सरबराह हैं, वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे, कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, महमूद खान, इनको बड़ी तकलीफ है, इनको आदत हो गई है उसको भी छेड़ना, उसको भी छेड़ना, इन्होंने सबको छेड़ना है, अखीर इन्होंने अकेले अकेले है, अब इनके साथ कोई नहीं है। तो सर आपको लगता है कि ये रोल प्ले होगा इसमें? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये हमारा इशू ही नहीं है। आप असेस क्या करते हैं? नहीं इशू नहीं, लेकिन हुकूमत एक मसला तो बना हुआ है सबके लिए, आवाम के लिए कह रहे हैं, हमले आए हैं, हमने मुल्क की मेषत तबाह की है, हमने ये तमाशा किया है, हमने तो नहीं किया, इन्होंने किया, ये जिम्मेदार है, मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हुआ ये जिम्मेदार है, मुल्क में बेरोजगारी है ये जिम्मेदार है, इंडस्ट्री बंद हुई ये जिम्मेदार है, सनत बंद हुई ये जिम्मेदार है, एक्सपोर्ट तबाह हुई ये जिम्मेदार है, मुल्क का खजाना तबाह हुआ ये जिम्मेदार है, इनको पता ही नहीं डॉलर कहां पहुंच गया। जोहान साहब पता है डॉलर उड़ता जा रहा है, आसमानों पे जा रहा है।